यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। मेक श्योर करना जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी बताए वो सारे अपने साथ लेके जाना। अगर वो पकड़े गए तब डेफिनेटली आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है लंबे टाइम की। ऑलराइट, सो आई गेस कैसे हो आप सब। तो आप में से काफी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे हमें वेरिफिकेशन के टाइम पर, और जब ये फर्स्ट कट ऑफ के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर क्या क्या दिक्कत हमें आ सकती है, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी हमसे मांग सकता है, तो उसके बारे में जरूर बताओ एंड वीडियो लेके आओ। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, इसी पर फोकस करने वाले हैं, तो मेक श्योर करना एंड तक जरूर देखो बिकॉज सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आप टाइम स्टैम्प जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प पे जंप करना चाहते हो। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेज वीडियो। यार तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है मैंने लिख रखे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास होने होने चाहिए, ऑफलाइन मोड में भी हो सकते हैं अगर आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह निकलवा सकते, अगर आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रिंट करवा रखे, ठीक है। अदरवाइज डिजी लॉकर में भी चला जाएगा, बट आई वुड से कि आपके पास ऑफलाइन होने चाहिए, आप इनकी फोटो कॉपी निकलवा के रखो, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के रखो। फिर जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो ये दो सर्टिफिकेट ही होते हैं, बाकी जितने भी फिर कैटेगरी वाइज अगर आप अप्लाई कर रहे हो, राइट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो आपके पास स्पेसिफिक आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि 31st मार्च 2024 के बाद के होने चाहिए। एंड सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, आपके सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट होने चाहिए बिकॉज काफी बच्चों के ना स्टेट लेवल के होते हैं तो फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से फिर वो आगे जा प्रॉब्लम बहुत आती है। एंड एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, आप काफी सारी वीडियोस देखोगे जिसमें से आपको डरा रखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी, ये एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई यार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इतनी जल्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको वो दो तीन फॉलोअप्स देंगे, आपके पास ईमेल्स आएंगी, क्वेरी रेज होंगी एंड फिर अगर आप सबमिट नहीं करते चीजें उनके कहने पर भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता यार कि आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है एंड आपको बिना बताए फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये सिर्फ डराने वाली बात है, सिर्फ आपकी अटेंशन ग्रैब करने की तरीका है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपको मेल भेजेगा अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में उनको चेंजेस चाहिए या फिर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स को एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह काम करे, तो उस केस में आपके पास ईमेल्स वगैरह आ रहे होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई नो यार आपको डराने के लिए बहुत लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि ऐसा इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यार इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ मेजर सर्टिफिकेट्स नहीं है, बट अगर आप स्पोर्ट्स और ईसीए के थ्रू जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि जितने भी आपने सर्टिफिकेट्स लगाए वो आपके पास हैंडी प्रिपेयर हो एंड स्पोर्ट्स के भी सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है ईसीए के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो वो सर्टिफिकेट्स आपके पास रेडी हो। और यार गलत सर्टिफिकेट्स बिल्कुल नहीं बनवाने, ठीक है, फेक सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाने बिकॉज अगर वो पकड़े गए तब डेफिनेटली आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी भी डोनेशन वगैरह देके एडमिशन वगैरह नहीं होता, तो ऑलवेज मेक श्योर कि ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना। अगर कोई कह भी रहे कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे इतने पैसे लेके, तो वो आपको फालतू में फंसा रहे या फिर आपसे पैसे लेना चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपका प्रोसेस चल रहा होगा जो कि फर्स्ट कट ऑफ का है, तो सबसे पहले ना आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, मतलब जैसे ही आपको सीट एलोकेट होगी तो कॉलेज के पास इंटीमेशन जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर ली सीट। एक्सेप्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले वहां के जो कन्वीनर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर रहे होंगे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल अप्रूव कर रहे होंगे, तो जब ये दोनों अप्रूव कर देंगे डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा, आप फी पे कर दोगे एंड फिर आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी उस कॉलेज के अंदर। और फिजिकल वेरिफिकेशन के बच्चे काफी पूछे थे कि भैया क्या हमें सीट मिलते ही हमें कॉलेज जाना होगा, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, आपको कॉलेज नहीं जाना, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, बट जब आपके कॉलेज खुल जाएंगे तो सभी डिपार्टमेंट अपने अपने स्पेसिफिक डेट्स रिलीज करते हैं कि इस मंथ के इस वीक के अंदर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही होगी, तो सब अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना। उसमें मैं स्पेसिफिक वीडियो भी ले आऊंगा, बट अगर इसके अंदर ही कंक्लूड करना है तो यार जब आप कॉलेज जा रहे होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे, अगर बाहर वाले शहर से आ रहे हो तो मेक श्योर करना जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी बताए वो सारे अपने साथ लेके जाना। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह, इनकी जरूरत होती है या फिर नहीं होती। यार देखो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, आई वुड से कि ये रख लो बिकॉज ये स्कूल से मिलते हैं, तो इन्हें लेके रखो, कभी भी जरूरत पड़ जाती है, बट ऐसे हार्ड केस नहीं है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी ये मांगेगा ही मांगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन एवरी कॉलेज, कुछ कॉलेजेस मांगते हैं कुछ कॉलेजेस नहीं मांगते। आई होप कि इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर मिली है तो प्लीज लाइक कर दो एंड शेयर कर दो दोस्तों के साथ अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो, एंड सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी और वीडियो के लिए।
बाकी ऐसी वीडियोस मैं चैनल पर लेके आता हूँ, तो उसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस करो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड वीडियोस भी मैं ले आऊंगा। बाकी तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं, मैंने जाके चेकआउट करो एंड फॉलो भी कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन दिस इज शारदन साइनिंग आउट।